हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे होना भी चाहिए। तो मॉर्निंग हो गई है और आज मैं मटर उबालने जा रही हूँ। और वो कौन सी मटर है? वो ये वाली मटर है, ये ड्राई मटर होती है, येलो येलो। इसको मैं नाश्ते में खाने के लिए बनाने वाली हूँ और बहुत ही सिंपल रेसिपी है इसकी। नाश्ते के लिए बहुत ही बढ़िया चीज़ है ये, क्योंकि इसको बस उबालो और थोड़ा सा छोंक लो और प्याज व्याज डाल के खाओ, मीठी चटनी डाल दो, बहुत टेस्टी लगती है। और अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा। और जिन लोगों ने मुझे अभी तक सपोर्ट किया है उनका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इस वीडियो के बाद, ये मटर उबालने के बाद आपको एक बात भी शेयर करूंगी, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो जो बात मैं शेयर करूंगी वो इस बारे में थी कि कैसे जो हम लोगों के आसपास के लोग होते हैं वो हम लोगों को डीमोटिवेट करके आगे बढ़ने से रोकते हैं और हम लोगों के माइंड पर कितना असर होता है उन लोगों की बातों का। तो ये बहुत पहले मेरे साथ घटित हो चुका है, तो इस बारे में मैं आपको बताऊंगी, तो प्लीज़ आप लोग इसे ज़रूर देखना। तो जब तक मैं अपनी मटर बना लेती हूँ, बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ। तो फ्रेंड्स, मैं किचन में मटर उबलने रखाई हूँ और आप लोगों से फिर थोड़ी बात करती हूँ और शेयर करती हूँ वो एक्सपीरियंस जो पहले मेरे साथ हुआ था। तो बात उस समय की थी जब मैं 9th क्लास में थी। तो 8th तक तो मेरी पढ़ाई एक अदर स्कूल में हुई थी, छोटा ही स्कूल था। तो उसमें तो 8th तक तो मैं बहुत अच्छे मार्क्स से पास होती रही, कभी सेकेंड कभी फर्स्ट, ऐसे ही चलता रहा। फिर 9th क्लास में घर वालों ने कहा कि और अच्छे, हर इंसान बेटर स्कूल में जाना चाहता है, तो घर वालों ने और बेटर अच्छे स्कूल में मेरा एडमिशन करा दिया। तो 9th क्लास में और हो गया एडमिशन, और एडमिशन बहुत लेट हुआ था मेरा, तो आगे की सीट पर जगह भी नहीं मिली, पीछे ही सीट पर जगह मिली। तो एक लड़की से मुलाकात हुई, पीछे बैठती थी मेरे साथ, तो उसने पूछा, मेरा परिचय पूछा, मैंने उसका पूछा। तो बहुत दिन ऐसे ही बातों का सिलसिला चलता रहा। तो फिर डे बाई डे क्या हुआ, वो मुझे डराना शुरू हो गई, बोलती है यहाँ तुमने एडमिशन क्यों ले लिया, यहाँ तो 9th में फ़ेल कर देते हैं और अच्छे अच्छे पढ़ने वालों को भी फ़ेल कर देते हैं। तो ये सुनकर पता नहीं क्यों मेरे मन में बहुत डर हो गया और मैं बहुत डर गई उसकी बात सुन के, और मेरा अपने ऊपर से ही कॉन्फिडेंस ख़त्म होने लगा। ऐसा लगने लगा कि मैं पढ़ूंगी भी तो भी ये फ़ेल कर देंगे मुझको। बट थोड़े दिन बाद मुझे पता चला कि शी इज़ फेलियर, वो सेकेंड ईयर में आई है यहाँ पर फेल होकर, वो मतलब सेकेंड ईयर पढ़ रही है यहाँ पर और वो एक बार 9th क्लास में फेल हो चुकी है। तो जैसी उसकी टेंडेंसी थी वैसे ही उसने मेरे को भी डीमोटिवेट करना शुरू कर दिया, और रोज़ ही अक्सर यही बोलती थी कितना भी पढ़ो या फेल कर देंगे, कितना भी पढ़ो। और उसकी बातें सुन सुन के मेरा दिमाग में इतना असर हुआ कि दिन रात हम यही सोचते रहते थे कि हम फेल ना हो जाएं, क्योंकि कभी फेल हुए नहीं थे, तो इसलिए बहुत डर था कि क्या होगा, मेरी इज्जत ख़राब हो जाएगी। और उसने उस एज में माइंड भी कुछ ऐसा होता है कि जो जैसा बता दे वैसा ही हो जाता, अपना दिमाग तो बिल्कुल लगा ही नहीं रही थी मैं, ऐसा लग रहा था इसने जो कह दिया अब तो वही होने वाला है। और ना मैं अपनी मम्मी से कोई डिस्कस करती थी, ना भाई बहनों से, बस अंदर ही अंदर घुटना शुरू हो गई कि उसने ऐसा बोल दिया है तो ऐसा ही होगा। और ये नहीं सोच रही थी कि अगर हम मन लगा के पढ़ें और पढ़ाई पर काबू कर लें तो कौन ऐसा है जो मुझे फ़ेल कर देगा। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, अब वो बचपने का दिमाग ऐसा ही होता है, जो जैसा बता दे वैसे ही हो जाता है। तो धीरे धीरे बस मैं पढ़ती गई, धीरे धीरे पढ़ना तो शुरू कर दिया, लेकिन बस वही डर डर के फाइनली एग्ज़ाम आया और मैं पास हो गई और वो फिर से फेल हो गई। तो उस वक्त मुझे ऐसा एहसास हुआ कि कभी भी किसी की बातों में नहीं जाना चाहिए फ्रेंड, आपका अपना माइंड जो कहे आपको वो करना चाहिए, आपका अपना दिल जो कह रहा हो वो आपको करना चाहिए। कभी भी किसी की बातों में आकर कोई आपको डीमोटिवेट करे तो आपको होना नहीं चाहिए। और उस वक्त वो उसकी बातों का ये असर हुआ था मेरे ऊपर कि मैं सुसाइड तक का सोचने लगी कि अगर रिजल्ट आया और मैं फेल हो गई तो मैं सुसाइड कर लूँगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूँगी। इतना मैंने क्या बताऊँ क्या बना लिया था अपने माइंड में, ऐसा लग रहा था कि बस वही 9th क्लास का रिज़ल्ट मेरा लाइफ डिसाइड करने वाला है। अब मुझे वो बात मैं सोचती हूँ तो मुझे बहुत हंसी आती है
और मैं ये शेयर भी आपको इसीलिए कर रही हूँ कि कभी आपको भी पढ़ाई बहुत हैवी लगने लगे और आपको टेंशन होने लगे तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लेना। बस आप धीरे धीरे डे बाई डे आप उसे पढ़ते रहेंगे तो पढ़ाई पर काबू पा लेंगे। कभी भी घबराना मत, किसी भी मुश्किल से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि कोई भी अगर आपको कोई भी काम करने में, कोई भी जैसे आपने कोई डिसीजन लिया है लाइफ में कुछ बनने का, कुछ करने का, तो या तो आपको जीत मिलेगी और या आपको सीख मिलेगी। आपको अपनी हार से भी सीख मिलती है, इसलिए कभी भी आपको डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए। और कोई आपको डीमोटिवेट कर रहा तो आप उससे बात करने ही बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि लाइफ में ऐसे लोग आपके आसपास ना हो वही अच्छा होता है, क्योंकि वो डीमोटिवेट करेंगे और आपको भी आगे नहीं बढ़ने देंगे। तो उस टाइम तो मेरे साथ ऐसा होता था, तो मैं नहीं समझ पाती थी, लेकिन इस एज में आकर अब मैं बड़ी हो गई हूँ तो अब मुझे ये लगता है कि कौन सही है कौन गलत है। लेकिन बच्चों के साथ ऐसा होता है, तो प्लीज़ आप लोग भी अपने बच्चों के साथ बातचीत करते रहा करिए, और उनको कि वो पढ़ रहे हैं क्या कर रहे हैं उनको देखते रहिए और उनको बहुत प्यार से डील करते रहिए। कभी भी पढ़ाई को लेकर आप उन्हें डराना मत कि पढ़ाई ये बहुत ऐसा करोगे तो फेल हो जाओगे वैसा करोगे, नहीं, बहुत लाइटली पढ़ाई को भी लेना चाहिए और उनको ऐसा मतलब उनको मज़ा आए पढ़ाई में, ऐसा उनको डराइए मत, उनको ऐसा करिए कि उनको मज़ा आए पढ़ाई में, कि पढ़ाई भी लाइफ का एक हिस्सा है, आप खेलिए भी इंजॉय भी करिए और पढ़ाई भी करिए। तो जैसा मेरे साथ हुआ था वैसा नहीं। और बच्चों से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि हर बात अपने मम्मी पापा को ज़रूर बताएं, कि अगर आपके दिल में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, आपको किससे डर लग रहा है, कौन आपके दोस्त हैं, आपको कैसी बात करते हैं, ये सब अपने मम्मी पापा से डिस्कस ज़रूर करिए। आप पापा से नहीं तो मम्मी से तो ज़रूर करिए, क्योंकि मम्मी सबकी बहुत क्लोज़ होती हैं, जो कि मैंने नहीं किया था। मैंने मम्मी को कुछ भी नहीं बताया और अंदर ही अंदर घुट रही थी, तो मेरे साथ कुछ भी हो सकता था, मैं भी कोई गलत कदम उठा सकती थी। तो लेकिन फिर जब मेरा रिज़ल्ट आया 9th क्लास का फाइनल वाला, मैं 6 मार्क्स से पास हो चुकी थी, और रिज़ल्ट खोलने से पहले मुझे ऐसा लग रहा था, ऐसा डर लग रहा था, क्योंकि उस लड़की ने मेरा कॉन्फिडेंस बहुत कम कर दिया था। तो रिज़ल्ट खोलने से पहले मुझे ऐसा लग रहा था कोई बम फूटने वाला है और उस पर फेल लिखा होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि मैंने मन लगा के पढ़ाई की थी और अच्छे नंबर से पास हुई। तो वो मेरी एक पहली सीढ़ी थी जो मैंने ये अनुभव किया कि अगर आप अपनी मर्जी से काम करते हैं, अपना आप 100% दे रहे हैं, तो आप पक्का सफल होंगे। किसी के कहने से और किसी के कुछ भी बोलने से, कुछ भी बुरा बोलने से आपके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इसलिए मेरी यही सबसे रिक्वेस्ट है कि डीमोटिवेट करने वालों से बिल्कुल आप लोग दूर रहना, और हमेशा अपने फैसले खुद करना या अपनी मम्मी से पूछना। मम्मी से बड़ा टीचर दुनिया में कोई नहीं है, मम्मी हमेशा एक अच्छी सलाह देती हैं, जो कि मैंने नहीं किया था, तो इसलिए मैं डरी और अपने खुद ही अंदर डरती जा रही थी और सब कुछ अच्छा हुआ। तो अब इस एज में आकर मुझे पता चल चुका है कि लाइफ से इतना डरने की ज़रूरत नहीं है, बस आप अपने फैसले खुद करिए, किसी का गलत मत कीजिए, हमेशा सही रास्ते पर चलिए। देखिए आपके साथ खुद ब खुद अच्छा होगा, एक अदृश्य शक्ति है जो आपको हमेशा सहायता करेगी आपकी, और जब आपके साथ कुछ गलत होने वाला होगा तो अपने आप आपके साथ सही हो जाएगा, बिल्कुल आप पक्का विश्वास रखिए। यही मुझे कहना था, इसलिए मैंने आप कि उनको ये बात शेयर करी कि अगर बच्चे मेरा वीडियो देख रहे हों तो वो भी इस चीज़ को समझें, और जो मम्मी पापा हैं वो अगर भी वीडियो देख रहे हैं तो वो भी समझें, बच्चों से बातचीत करते रहें कि उनके मन में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। बस यही मेरा मोटो था। ओके फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो फ्रेंड्स, यहाँ मेरी मटर बन के तैयार हो गई है, आप लोगों से बातें भी करी, उतनी देर में मेरी मटर बॉईल हो गई और अब ये फाइनली बन गई है, और ये ऐसी लगती है। इसमें मैंने मीठी चटनी डाल दी है, नमक मिर्ची, हरी मिर्ची और प्याज, और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और बहुत गरम गरम है। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।